हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये पाउच बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों जो ये हमने पाउच बनाया है, ये हमने बच्चे की जो फैंसी कपड़े होते हैं पुरानी जैकेट में से ये तैयार किया है। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा ये पाउच है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा है। और इसका कलर कम्बिनेशन या कपड़े के बारे में भी देखोगे तो कितना प्यारा सा है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों जो आपने पोंचू देखा है, पाउच देखा है, उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे बच्चे की एक जो जैकेट होती है ये ली है, जो कि हमारी यहाँ पे इसी जैकेट के द्वारा हम बहुत ही प्यारा सा आपको पोंचू बना करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा है ये है हमारा, बहुत ही अच्छा सुंदर सा फैब्रिक है, आप देख ही रहे होंगे। इसमें से सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक साइड वाला पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पीस निकाल लिया है। अब इसको हम यहाँ पे डबल करते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे इसको डबल कर लेना है। और इसके बाद इसका साइज नापना है। तो यहाँ पे जो हम साइज देखेंगे इस तरीके से, लेंथ है हमारी यहाँ पे ये 10 इंच की है, लेकिन हमें यहाँ पे 9.5 इंच तक ये रखना होगा। तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से काट देते हैं। ये हमने काट दिया है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे चौड़ाई, ये है हमारी 5.5 इंच की, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमने सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें अस्तर कटिंग करना होगा, तो आप कोई भी यहाँ पे अंदर की साइड अस्तर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाइट कलर का, बारीक बुटियाँ हैं तो अच्छा रहेगा ये। इसको भी इस तरीके से डबल कर लेते हैं और यहाँ पे सेम इस तरीके से रखेंगे ऊपर की साइड। ऐसे रखने के बाद हम इसको बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें जो हमारे पास अस्तर है इसको हम बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और इसमें कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो फर वाला है इसमें अच्छे से आप सेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम इस वाले कपड़े में कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कैसे करनी है, इस तरीके से लेंगे 1.5 इंच और इस तरीके से लेंगे 1 इंच और यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे इस तरीके से। यही सेम चीज इस साइड में यहां पे कटिंग होगी। जैसे हमने यहां पे कटिंग किया है ऐसे ही हमें ऊपर की साइड भी कटिंग करना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही ऊपर की साइड भी तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये कटिंग कर लिया है। ये पूरा पीस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जब ये आएगा तो ये रखेंगे हम यहाँ पे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। तो अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो ये देखिए दोस्तों, स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है अस्तर की और मेन फैब्रिक की, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो रबड़ सीट आती है ये रख लेंगे बीच में। इससे क्या होगा, ये अच्छा थोड़ा हार्डनेस आ जाती है और इसमें फिनिशिंग भी हमारी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हम ये रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड रख लेंगे ऐसे ये। तो सेम हमारा ऐसे पीस ये आ जाएगा। अब हमें इसमें स्टिचिंग करनी है।
देखिए जहाँ जहाँ पे हमने कटिंग की थी वैसे ही हमने सिलाई लगा ली है, अब हमें सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसको डबल करके हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई पीस बड़ा छोटा तो नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ये बराबर आने चाहिए हमारे ऐसे, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो कटिंग है ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस तरीके का जब आपका यहाँ पर ये पीस कट जाता है, अब हमें यहाँ पर जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए यहाँ पर लगाएंगे हम पट्टी। तो जो हमारा यहाँ पे ये पीस था जैकेट का, इसी का जो कॉलर है यही हम यहाँ पे यूज करेंगे पट्टी में। तो इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसके हम यहाँ पे बीच से ओपन कर लेंगे। ये देखिए दो भाग हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ये रखेंगे ऐसे, नीचे से ऐसे, और आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड भी पट्टी लगा लेते हैं। दोनों साइड यहाँ पे हमने ये इस तरीके से पट्टी लगा ली है। अब हम यहाँ पे जिप लेंगे, और जिप में आपको बता दूँ यहाँ पे इस जिप को आपने ओपन कर लेना है, मतलब इसको अलग अलग भाग में ऐसे ले लेना है, और यहाँ से रखेंगे नीचे से और इस तरीके से अटैच करेंगे। दूसरी साइड में दोनों साइड जिप हमने अटैच कर ली है। अब हम इसमें रनर डालेंगे, तो यहां पे हमें बराबर कटिंग करनी है और रनर डाल लेना है।
इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए रनर डाल लिया है। अब हमें इसको पलट लेना है, उल्टी साइड कर लेनी है इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से पलट लेना है और पलटने के बाद हमें ये वाली साइड जोड़नी है। जिप का जैसे ऐसे सेंटर पॉइंट बनाते हैं, एक्स्ट्रा जिप काट देंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये वाली साइड जोड़ते हैं। फिर डबल सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड जोड़ेंगे। दोनों साइड जोड़ने के बाद अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बिठाते हैं, ऐसे ये कॉर्नर जो होते हैं ये आपस में ऐसे मैच करते हैं ताकि हमारा नीचे का बेस अच्छे से सेट हो जाए। एक साइड का हमने नीचे का बेस ये देखिए तैयार कर लिया है, दूसरी साइड का भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और ये भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड का हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये नीचे का जो बेस है वो तैयार कर लिया है। अब हमें ऊपर की स्टिचिंग करनी है। ऊपर की स्टिचिंग करने के लिए हम यहाँ पे सेम तरीका सेम रहता है, लेकिन इसके अंदर हम एक छोटा सा यहाँ पे पीस अंदर की साइड दबाते हैं। तो ये देखिए एक साइड में यहाँ पे हम ये वाला पीस इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे जिप वाले पॉइंट पे ऐसे बीच में फंसा लेते हैं। जिप का सेंटर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए इस पर लगाएंगे सिलाई। सिलाई डबल कर लेंगे यहाँ पे भी। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी इस तरीके से आ जाएंगी दोनों। अब हमें ये वाली साइड भी तैयार करनी है, लेकिन इसे तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी लंबी डोरी लेनी होगी। तो यूज हमने यही पीस करना है, तो इसकी यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से बाउंड्री सी है, तो इसको हम काट लेते हैं। ऐसे काट लेंगे साथ साथ में। जितनी लंबी आपको चाहिए इतनी काफी रहेगी मेरे हिसाब से। अगर आपको बड़ी रखनी है तो बड़ी भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में काट लेते हैं। और ये देखिए एक तरीके से डोरी हमारी बन चुकी है। अब हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पे अंदर की साइड। इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से और ये अंदर डाल देंगे यहाँ पे ऐसे। अब जब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस साइड भी, तो जिप को मिलाते हुए लगाते हैं ऐसे ही, जैसे हमने इधर लगाई है ऐसे ही हम इधर लगाएंगे।
तरीके से यहाँ पे भी हमने सिलाई जो है अपनी कंप्लीट कर ली है। तो पूरा का पूरा जो पाउच है, पोंचू है हमारा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको सीधा करेंगे, यहाँ से जिप करेंगे ऊपर ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, जो पाउच है हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है पलट के, और आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा ये तैयार हुआ है। यहाँ पे इससे आप पकड़ के जिप ओपन कर सकते हो, इधर से ऐसे बंद कर सकते हो पूरी, और नीचे का बेस भी आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा है। एक साइड तो हमने यहाँ पे जिप की सेफ्टी भी रहती है और इससे पकड़ के आप बंद कर लेते हो, दूसरी साइड हमने थोड़ा लंबा हैंडल लगाया है यहाँ पे। पुरानी जो जैकेट होती है बच्चे की, फैंसी कपड़े आते हैं, लेकिन हम फैंसी कपड़ों को हमेशा फेंक देते हैं क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। लेकिन आप इस तरीके की कोई भी आइटम बना सकते हो घर में ही, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, जैसे कि मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।